हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जेफ इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बरिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि प्लम्बिंग की अंडरग्राउंड वायरिंग कैसे की जाती है, दिखाएंगे कि टैंक का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और भी फिटिंग की बहुत सारी जानकारी देंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि वाटर टैंक को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसमें इंस्टॉल में होने वाले पाइपों का साइज और प्रेशर को कैसे बढ़ाएँ। तो चलिए हम आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक टैंक को इंस्टॉल किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हमने टैंक से आउटपुट जो हमारा पाइप आया हुआ है, तो वो हमने 1 इंची का लगाया हुआ है और हमने सबसे पहले टंकी निपुल को लगाया है, फिर उसके बाद यूनियन को लगाया है। यूनियन इसलिए लगाया है दोस्तों, ऐसा होता है कि टैंक को साफ़ करने के लिए यूनियन को खोलकर दूसरी जगह शिफ्ट करके साफ़ करने में आसानी रहती है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो हम आपको एक गेटवाल दिखाई देता है जो कि हमने 1 इंची पाइप में इसको लगाया। और आगे हम और आपको दिखाते हैं तो एक एल्बो लगा करके हमने ये डाउन में एक टी लगाई हुई है। ये एल्बो इसलिए लगा है कि हमने टैंक को एक ईंटों के ऊपर रखा हुआ है। और आगे अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर से डाउन पाइप गए हुए हैं, तो हमें दो साइड में अपनी लाइनें ले जानी थी, इसलिए हमने टी को लगाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरी टी लगी हुई है, ये हमारी मेन सप्लाई है जो गई है। तो यहाँ पर हमने टी के बाद एयर वाला पाइप में हमने 1 से 1.25 का रिड्यूसर लगा करके ये अपना एयर वाला पाइप को लगा दिया है। और ये आप इधर देखेंगे तो हमने 1 इंची ही पाइप लगा करके ये दूसरी साइड में भी 1 इंची पाइप टी लगाई हुई है। और उसके नीचे जा कर के 1 मीटर के नीचे तक हमने 1 से 1.25 रिड्यूसर लगा करके अपनी सप्लाई को आगे बढ़ाया है। फिर उसी तरह ऊपर एयर वाले पाइप में 1 से 1.25 का रिड्यूसर लगा करके हमने ये एयर का पाइप लगाया हुआ है दोस्तों। और अब हम आपको बताते हैं इसमें मेन जो ताज़ा पानी आता है, तो उसके लिए हमने दूसरी तरफ भी हमें एक बाथरूम में पाइप ले जाना था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर टी लगा करके 45 डिग्री एल्बो को लगा करके ये अपनी दूसरी जो हमारी लाइन गई है उसमें चली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये एल्बो लगा करके और एक ऊपर भी हमने 1.25 इंची का यूनियन लगाया हुआ है और उसके साथ एल्बो लगा करके टंकी निपुल में हमने इसको लगा करके टैंक में लगा दिया है। और आप इधर से देखेंगे तो ये हमारा जो आउटपुट पानी होता है, जो हमें वेस्ट पानी पाइप लगाया जाता है, तो उसके लिए हमने ये नलकी लगाया हुआ है। तो हमने 1.25 से 1.5 का पाइप लगा करके उसमें ये आउटपुट का ये पानी जो फालतू का होगा वो निकल जाएगा। चलिए हम दोस्तों और आपको आगे से दिखाते हैं और वीडियो में अपनी नीचे से हमारी ये जो हम अभी ऊपर से दिखाए थे, तो ये हमारा ये हमने 1 से 1.25 का रिड्यूसर लगा करके ये अपनी हमने ये कुछ इस तरह से अपनी सप्लाई को इंस्टॉल पाइपिंग को इंस्टॉल किया है। तो अभी हम आपको बताते हैं कौन सा पाइप कैसे हमने इस्तेमाल में लाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने गीजर का भी पॉइंट दे रखा है। आपको दूसरी साइड से दिखाते हैं जो हमारी दूसरी सप्लाई आई हुई है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पाइपिंग की वीडियो दिखती है। हमने 1 इंची का आउटपुट पाइप वायरिंग के लिए निकाल रखा है टैंक से। तो आप सोच रहे होंगे 1 इंची तो 1 इंची भाई, इसलिए कि हमारी टैंक जो इस लिंटर दिख रहा है तो इसी के ऊपर आएगी। तो हमें शावर में प्रेशर के लिए हमने ये 1 इंची का पाइप लगाया हुआ है। फिर हमने 1 से 1.25 रेड्यूसर लगा करके यहाँ पर हमने 26 mm का पाइप UPVC का लगाया हुआ है। और सेकंड वाला पाइप हमें ताज़ा पानी चाहिए मोटर से, जो कि ऊपर से टैंक से कनेक्ट होकर के यहाँ पर हमने इसको भी हम शावर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 2 45 डिग्री के एल्बो लगाए हैं और इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि 45 डिग्री एल्बो लगाने से हमारा प्रेशर का पर जो पानी के ऊपर दबाव नहीं पड़ता और वो आराम से ईज़िली निकल जाता है पानी।
तो आगे चलिए हम दिखाते हैं, हमने जो डायरेक्ट वाली लेंथ आई हुई है उससे हमने ये एक कंसील्ड दे करके एक पॉइंट बनाया हुआ है, और वहाँ पर हमने इससे भी डायरेक्ट वाले पॉइंट से हमने ये शावर को चलाएंगे। और आपको दूसरा दिखाते हैं, यहाँ पर हमने ये जो हमारा टैंक वाला आउटपुट है तो इससे भी हमने एक टी लगा करके उधर 1.25 इंच लगा करके हमने एक दूसरी लाइन दिया है उधर, अब उसको भी हम अभी बताएंगे। और इधर आगे आपको दिखाते हैं तो ये हमारी ये हो गई आउटपुट लाइन जो है, तो उससे हमने एक ये पॉइंट दिया है और साथ ही साथ एक कंसील लेकर के इसको भी हम अपने शावर को चलाएंगे। तो ये हमारा ठंडा और मतलब डायरेक्ट और टैंक के दोनों से दोनों के पानी से ये हमारा शावर चलेगा, ये एक प्रकार का देखा जाए हमारा डाइवर्टर का काम करेगा। और आगे आपको हम दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देखते जाइए, तो हमने एल्बो प्लर आया था तो हमने एल्बो लगा करके यहाँ पर हम गीजर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने आउटपुट इनलेट के लिए ये UPVC का 1.25 इंची पाइप दिया है, और आउटपुट के लिए हमने CPVC का 1.25 इंची पाइप दिया है। तो आगे आप देखते रहिए, ये हमने कुछ इस तरह से ला करके ये हमारा गीजर का ये पॉइंट हो गया। तो हमारा एक तो हो गया ये ताज़े पानी का, एक टैंक के पानी का, एक गीजर का, ये हमारे तीन कुछ इस तरह से हमारे पॉइंट बने। अब आगे हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी जो यहाँ पर इंडियन टॉयलेट सीट रहेगी तो उसके लिए हमने एक सिस्टम का पॉइंट दे रखा है, और आगे हमने वहाँ पर एक थ्री लेंथ उधर दूसरा बाहर की साइड में एक पॉइंट चाहिए था, उसके लिए हमने वहाँ से डाउन करके उधर को ले, ये अंदर से कुछ इस तरह से आए हैं और नीचे जा कर के हमारे लेटरिन में पाइप चले गए। यहाँ पर हमने एक बाहर भी टोटी इस के लिए पॉइंट दे रखा है गए हैं, और वहाँ पर हमारे लेटरिन का दूसरा वाला पॉइंट रहेगा। फिर आगे आपको आगे देखते रहे, ये हमारे एक बाहर वाल्व बेसिंग लगेगी जो पेडिस्टल वाल्व बेसिंग होगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर भी 45 डिग्री एल्बो का इस्तेमाल में ला करके डाउन किया है। तो आगे आप ये देख लीजिए कि हम ई बेयरिंग को तो ये हमने दे रखा है, यहाँ पर हमारी जो पेडिस्टल वाल्व बेसिंग होगी तो उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आगे आप ये देख लीजिए कि हम ई बेयरिंग को इस तरह से मैंने जीरी काटी है कि हमारा पाइप जो होता है तो प्लास्टर से कहीं भी बाहर नहीं दिखेगा। आपको हम किधर से भी दिखाएं तो आपको ये हमारे पाइप जो है वो आपको अंदर ही की साइड दिखेंगे, बाहर को नहीं दिखेंगी। यहाँ पर ना कुछ ये क्लिफ अभी लगी नहीं है तो इस वजह से ये बाहर दिख रहे हैं, वरना आपको ये पाइप सभी अंदर की साइड में रहेंगे। हम आपको एक बार ये फुल दिखाते हैं कि किस तरह से दिखता है ये हमारा कुछ इस तरह से पाइपिंग का डायग्राम दिखता है। ये एक दूसरी लाइन हो गई, इसमें भी हमने सेम प्रोसेस के साथ 1 से 1.25 का रिड्यूसर लगा करके हमने ये अपनी पाइपिंग की पाइप अपने नीचे उतारे हैं। यहाँ पर हमें एक दूसरा पॉइंट चाहिए था जो कि हमने यहाँ पर दे दिया है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक गेट वाल 1.25 इंची का लगाया हुआ है जो कि पीतल का है, और यहाँ पर आप कुछ इस तरह से देखेंगे मोटर से हमने ये डायरेक्ट जो ताज़े पानी में गेट वाल को इंस्टॉल किया है। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक ताज़े पानी की टोटी लगाई हुई है और एक टैंक के पानी की टोटी लगाई है, इधर हमारी पेडिस्टल वाल्व बेसिंग आएगी। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और पास में लगे हमारे बेल आइकन को ऑल कर देना ताकि हमारी तरफ से आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।